नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएनआई न्यूज। एसपीएनआई न्यूज में आज बातचीत करेंगे प्रशांत किशोर की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के बाद प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है बहुत सारा सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे बयानबाजी यहाँ शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रशांत किशोर बयानबाज सुर्खियों में आ गया और इस बात को लेकर कि उन्होंने जब पांच राज्यों में के जो नतीजे आए, चार राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, तो प्रशांत किशोर ये कहते नजर आए कि असली लड़ाई 2024 में। उसके बाद सबसे करारी हार कांग्रेस को पांचों राज्यों में मिली। उसके बाद कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कांग्रेस का समर्थन करते आए और अब ये चर्चा आने लगी कि शायद वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है तो सवाल ये हो रहा है कि प्लान बनाए जा रहे हैं गुजरात को लेकर, प्लान बनाए जा रहे हैं हिमाचल को लेकर। अब सवाल ये है कि जितने भी मंथन और फॉर्मूले तैयार किए जा रहे हैं, क्या इस प्लान और फॉर्मूले से, इस रणनीति से क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे, क्या उनकी डूबती हुई नैया को पार कर पाएंगे? बड़ा सवाल है जिसका इंतजार करना होगा। और चुनौतियों की जहां तक बात करें तो प्रशांत किशोर को चुनौतियां पसंद है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा कि किस तरह से बीजेपी को उन्होंने चुनौतियां दी और उस पर वो फतेह भी पाए, उन्होंने उस पर जो है जीत भी दर्ज की और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद अब दूसरा चैलेंज जो है वो मोदी सरकार को देते नजर आ रहे हैं 2024 के लिए। कह रहे हैं कि असली लड़ाई 2024 में, तो कांग्रेस के बहाने लड़ेंगे या फिर गुजरात और हिमाचल में ही ये पता चल जाएगा कि असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। और इस पर प्रशांत किशोर जो कसम खाई है उन्होंने, जो कसम खा रहे हैं, क्या वाकई में कांग्रेस को जीता पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर क्या कुछ करते हैं। फिलहाल